प्रेम नारायण भाई, मुद्दे तो सब खत्म हो जाते हैं लास्ट पोलिंग पे के शाम के 5 बजे ही, ठीक। फिर तो धुकधुकी बचती है कि भाई परिणाम आए, और परिणाम आता है तो बड़ा निष्ठुर होता है, उसमें न किंतु चलता है न परंतु चलता है। वो तो सीधी न पाई है, सीधे खड़े हो जाओ, इंच टेप लगा दिया, बोले भाई इतने हैं, इंच में इतने, फुट में इतने। क्या कोई नेता हो, उसका नाम कोई हो, किसी वंश का हो, नहीं। क्या आपको लगता है कि अब खड़गे जी के नाम का तो उत्तर प्रदेश में कोई मसला है नहीं, इसलिए मैंने राहुल जी को ही मान लिया कि भाई यही प्रतिनिधि चेहरा है कांग्रेस की। 17 सीटों पर जो भी स्थिति परिस्थिति रहेगी, हम उससे राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को नापने के लिए उस आंकड़े का उपयोग करेंगे। ठीक बात है प्रेम नारायण जी, दुरुस्त बात? अगर ये थर्मामीटर जो है जी सभी के ऊपर स्थायी रूप से चलता रहेगा तो ये बिल्कुल उचित है ना। जैसे कि अभी बातों बातों में हमारी बहन रेचा जी आ गई कि बोले नहीं वो मोदी जी के चेहरे पे चल रहा है, और पता चले कि जिस तरीके से ग्राफ गिरता हुआ आ रहा है तो बाद में कह दिया जाए नहीं मोदी जी का करिश्मा तो बरकरार था, वो योगी जी की हार है। उस तरीके से अगर थर्मामीटर एक रहेगा, समान रहेगा, तो आकलन बिल्कुल उचित होता। और ये सभी के लिए, वोट गिरता है, डब्बा बंद होता है, बैलेट मशीन जमा हो जाती है, और उसके बाद में सभी की सेम कहानी होती है, सभी की धड़कनें चलती है, किंतु परंतु चलता है, प्रयास लगाए जाते हैं, और उसके पहले जो चलता है चर्चा परिचर्चा वही चलती है, पिछला वही चलता है कि कब किसको मौका मिला, किसने किसको क्या दिया, किसने अधिकार दिए, किसने जिम्मेदारियां दी, किसने लोगों को गले लगाया, किसने लोगों के उत्थान का कार्य किया, इन्हीं का यही पैरामीटर होता है। और इस पैरामीटर के साथ आगे बढ़ना, और इसमें बिल्कुल बेदाग, क्योंकि इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता है, जो नेता है तो नेता है। रही बात इसकी, आपने कहा कि खड़गे जी का, खड़गे जी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाई, देखो सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष यार मुझे प्रेम नारायण जी, एक मिनट रुक जाओ, सुन लीजिए आप पूरी बात। नहीं अभी रुकिए, खड़गे जी का पूरा सम्मान, लेकिन एटा में इटावा में खड़गे जी पर सपोर्ट नहीं पड़ रहा। वही मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा कि वो नहीं, तो मैंने वही कहा कि वो पैरामीटर अगर यहाँ है कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। जनता राहुल जी की तरफ ही देखती है, जनता प्रियंका जी की तरफ देख रही है और नेताओं की तरफ, लेकिन हमारे सर्वमान्य नेता है ठीक, तो उनके सिद्धांतों, उनके आदर्शों, उनके विचारों, उनके कार्य के आधार पर ठीक। प्रेम नारायण भाई ठीक, अब नेता सब है, सबका बहुत सम्मान, जितना आप सम्मान करते हो उससे ज्यादा मेरा सम्मान उन सबके प्रति, लेकिन प्रमोद तिवारी को तो 4 जून को नहीं ढूंढेंगे हम नापने के लिए, नेता वो भी बड़े हैं ना, अजय राय को ढूंढेंगे, और हम सपा के मूल्यांकन के लिए फराज की दवाई को थोड़ी ना खड़ा कर देंगे, हम शिवपाल यादव को भी नहीं खड़ा करेंगे। मेरा तो बिल्कुल दृष्टिकोण साफ रहता, फोकस्ड, दाएं बाएं नहीं, इसीलिए बसपा वाले से मैंने कहा आकाश आनंद मायावती जी में मर्ज है, लेकिन अभी भी चेहरा मायावती ही है, आकाश आनंद उनके सहयोगी है, हेल्पर है, ठीक है, अखिलेश जी के साथ बहुत सारी टीम है, योगी जी के साथ टीम है, लेकिन टीम की नपाई नहीं होगी, नपाई होगी नेता की। फराज भाई, मैंने शुरुआत में कहा था कि शायद आपने उसको बहुत डाइल्यूट करके हल्के से उससे आप गुजर गए कि नहीं नहीं नेताजी का आशीर्वाद है, स्वाभाविक बात है सबका आशीर्वाद रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि मुलायम सिंह की निधन के बाद ये पहला इलेक्शन है जो अखिलेश यादव लड़ेंगे अकेले। इससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए समाजवादी पार्टी के जन्म से लेके 2022 के विधानसभा तक, सब में मुलायम सिंह ही चेहरा थे, मुलायम सिंह ही की रणनीति थी, मुलायम सिंह का ही से था। पहली बार अखिलेश जी सोलो परफॉर्मेंस देंगे, और राहुल गांधी से ज्यादा संकट या कहिए ज्यादा चुनौती अखिलेश जी के लिए इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनको पता कि भाई हमको तो आखिरी चरण 1 जून को वोट करा के चला जाना है, फिर हमसे क्या लेन देना उत्तर प्रदेश में, जीतो चाहे हारो,
ठीक, लेकिन अखिलेश यादव भी रिस्क तो नहीं लेते, उनको तो 27 में चुनाव लड़ना है विधानसभा का, नहीं पार्टी तो विधानसभा के लिए है ना मुख्य तौर पर, यानी मूल कारोबार तो विधानसभा है, ये तो साइड बिजनेस है कि आ गया तो लड़ लेंगे। तो उस दृष्टि से आपको लग रहा है कि इस बार मामला थोड़ा चुनौतीपूर्ण ज्यादा है, क्योंकि अभी तक वो उतने बड़े वटवृक्ष के छाया में चुनाव लड़ते थे, नेताजी की छाया में, पहली बार सोलो परफॉर्मेंस होगी। फरज भाई, अमिताभ जी थोड़ा सा मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, समाजवादी पार्टी की 2009 में कितनी सीटें आई थी, मैं भूल रहा हूं, कुछ याद दिला देंगे आप? नहीं भाई ऐसे ऑफ हैंड मुझे याद नहीं कितनी सीटें आई थी, हाँ, नौ अच्छा, में कांग्रेस के 20-21 आई थी ऐसा कुछ याद है, जब कल्याण सिंह और आजम खान ने, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह एक हुए थे, वही बता रहे हैं ना, 23-22 के आसपास सीटें आई थी। अमिताभ जी पेन उठाइए, पेपर उठाइए और नोट करिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की लीडरशिप में इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 50 सीटें जीतने जा रही है। आप ये ब्रेकिंग न्यूज चला दिएगा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अमिताभ अग्निहोत्री जी के शो पर यह बात कही थी पहली बार। दूसरी बात यह है कि जब 2012 में सरकार बनी थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने थे, तो उस टाइम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कमान किसके हाथ में थी, ये मुझे आपको बताने की जरूरत है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो लड़ाई 2012 से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, और एक परिपक्व, एक बहुत ही ज्यादा शालीन नेता के रूप में एक जन नायक की उनकी छवि उत्तर प्रदेश में बनी है, और 2024 के इलेक्शन में 50 से ज्यादा हम लोग सीटें जीतने जा रहे हैं पहली बार। दूसरी बात पर्सनैलिटीज की बात करते हैं, 50, एक मिनट फराज भाई एक मिनट, 50 आप अकेले जीतेंगे या उसमें राहुल गांधी की सीटें भी शामिल है, ये राहुल की अलग है? नहीं वो अलग जीतेंगे, वो अलग जीतेंगे, समाजवादी पार्टी नहीं, नहीं ठीक 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 बोलने में क्या कंजूसी, बोलो तो लंबा, हाँ ठीक है, हाँ नहीं नहीं बोलो क्या, अरे आप बोल, नहीं नहीं हमेशा बोलो लंबा बोलो, 4 तारीख को सुबह 10 बजे तक लंबा बोलो, 12 बजे पे देखना मैं क्या बोल रहा हूं। 400 सीटें क्या भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, वो लंबा बोल रही है कि छोटा बोल रही है, ये भी जरा बता दिए मुझे, 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी क्या जीतने जा रही है? फराज भाई मैंने क्या कहा, सबको आजादी है 4 जून को सुबह 10-11 बजे तक हम आप बोलने की, सबको आ जाए, आपकी डिबेट में मैं आऊंगा और आप मुझे बुलाइएगा जी, और मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा कि। अच्छा दूसरी बात, अब आ जाते हैं पर्सनालिटीज पे, हमारी बहन ऋचा जी ने लॉ एंड ऑर्डर की बात की और तमाम तरह की इन्होंने बातें की। देखिए जहां तक रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, तो हमारे अमिताभ जी के, हमारी बहन ऋचा जी के, प्रेम नारायण जी के कहने से लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक होता है। मात्र एक संस्था है इस देश में जो बताती है कि किसी प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, भैया आंकड़े पे बहस कर चुके हैं ना फराज की दया में, एनसीआरबी का डाटा लेके बताना, वो दूसरे टाइप के बहस करने वाले लोग हैं, मेरा मिजाज उससे मिल नहीं मिलता, वो दूसरे चैनल पर लॉ एंड ऑर्डर की, हम चार जनता बताएगी 4 तारीख को, भैया एक रुक जाओ फराज की भैया रुक जाओ, अरे रुको भाई ऋचा सिंह रुको, सबकी आवाज रोकिए, मेरी बहस ऐसे नहीं चलेगी। 4 तारीख को फराज किदवाई ने पूछा, उनको जवाब दे दे ताकि जीवन भर उनके दिमाग में छप जाए बात, उनको लंबी राजनीति करनी है। 4 तारीख को जनता बताएगी कानून व्यवस्था अच्छी है कि खराब है, मैं एनसीआरबी नहीं मानता किसी की, जनता ही एनसीआरबी है, समझ गए, कल जनता बताएगी वोट क्या पड़ रहा है, और 4 तारीख को हम आपसे पूछेंगे, बाकी कहानी है गुरु, उसमें कहां उल्लू लज रहे हो। खैर समाजवादी पार्टी ने एक नया नैरेटिव दिया, और जो बताने की कोशिश की फराज किदवई ने वो ये कि 12 से ही अखिलेश यादव के ही नेतृत्व में सब काम हो रहा है। हमको गलत फहमी थी कि मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में हो रहा है, क्योंकि हम उस परिवार से, रुक आपने बीच में नहीं, हम उस परिवार से बहुत नजदीकी से जुड़े हैं, जितना उनको उनको मुलायम सिंह जी और उनको प्रवक्ताओं ने देखा जाना होगा उससे कई गुना ज्यादा मैं उनके साथ रहा हूंगा एक पत्रकार के नाते, ठीक, इसलिए कुछ चीजें रहती हैं जानकारी में, मुझे वो प्रसंग भी पता है कि सैफई में कैसे सब 5 लोग बैठे थे और पूरी रात की चर्चा के बाद फिर अंत में इस बात पर सहमति बनी कि अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उसमें सब चाहते थे कि मुलायम सिंह ही बने, मुलायम सिंह को छोड़कर सब चाहते थे मुलायम सिंह बने, आजम खान तो ढूंढे नहीं मिल रहे थे, वो पकड़ के लाए गए, बड़ी मुश्किल में आए, मुंह पर प्रसंग बताना नहीं चाहता, फराज भाई अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, उनके अपने नेता के प्रति श्रद्धा भाव है अच्छी बात है,
लेकिन तथ्य तथ्य रहते हैं, और ये जो तथ्य हम बता देंगे गूगल मिलेंगे भी नहीं, ना एनसीआरबी मिलेंगे कि आदम खान लापता हो गए तो उनको शिवपाल गंजे ढूंढ के लाए। भैया फराज भाई नहीं मिलेगा गूगल में, चक्कर मत बनना, नहीं भटक जाओगे, है ना। तो मसला ये नहीं है, हम लोग ये मानते हैं कि अखिलेश यादव जो पॉलिटिकल एसेट ओन करते हैं वो मुलायम सिंह की लीगेसी ही है, मुलायम सिंह का राजनीतिक उत्तराधिकार ही है जो उस जिसकी लीगे जिसको वो ओन करते हैं, जो उनका वो है और है। इसलिए इस बात को मैं मानता हूँ, फराज भाई नहीं मानते उनकी मर्जी, मैं ऐसा ही मानता हूँ और ऐसा ही मानता रहूँगा क्योंकि मेरे पास भी एक दृष्टि है ना नेताओं को देखने की, और मैं जिलों जिलों से कनेक्ट हूं, मुझे पता है वहां वो आदमी अगर सपा का नेता है मजबूत तो उसको किसने नेता बनाया था, मैं उसकी कहानी जानता हूं। इसलिए मैंने कहा अभी इम्तिहान बाकी है, फराज भाई ने कहा नहीं वो इम्तिहान से पार निकल गए, मेरी शुभकामनाएं, मेरी समझ कहती अभी इम्तिहान बाकी है, एक इम्तिहान देना होगा नेताजी होने के लिए, बड़ी बात है इसको समझिएगा। ऋचा सिंह, मैं चाहता तो इसमें नरेंद्र मोदी का भी चेहरा रख सकता था, नहीं रखा ना। मोदी पूरे देश भर के लिए हैं भाजपा में, ठीक ठीक है, सांसद भी उत्तर प्रदेश से हैं लेकिन देश भर में एक है विजन। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन मैनेजमेंट कैंपेन, और चूंकि सरकार है उसके हेड है योगी जी, इसलिए सब कुछ योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक। जो लोग नहीं चाहते ऐसा हो उनकी इच्छा के बावजूद भी घूम रहा है, इसलिए 4 जून को जो परिणाम आएगा उसका भी यश और अपयश बिना डाइल्यूट किए सीधे वहीं जाएगा योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर। जी बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और वो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, और साथ ही साथ वो एक कार्यकाल पूरा कर चुके हैं उनके नेतृत्व में, और जन भावनाओं के लिए जो उनके मन में आदर है, आदरणीय योगी जी के मन में उसकी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई पड़ता है कि जनता भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भरोसा करती है और भारतीय जनता पार्टी भी भरोसा करती है। और योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी एक प्रमुख चेहरे के रूप में, स्टार कैंपेनर के रूप में लगातार अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और बिल्कुल योगी जी की गारंटी, योगी जी का नेतृत्व 4 जून को सोना कितना खरा है ये सबको दिखाई पड़ जाएगा। नहीं ऋचा सिंह, एक बात तो है कि 14 में भाजपा को उत्तर प्रदेश में 73 सीटें मिली थी अगर मैं सही याद कर रहा हूं, क्या ये लक्ष्य है कि भूतो न भविष्यति जैसा आपका कद हो जाए। हालांकि एक रिकॉर्ड ये योगी जी बना चुके जिसने उत्तर प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्रियों से उनको आगे ले जाके खड़ा कर दिया उस रेस में, मुलायम सिंह मायावती जिसे बड़े नाम भी थे कि कोई मुख्यमंत्री 40 साल में अपनी सरकार दोबारा चुनवा के नहीं ला पाया, कोई भी नहीं, इसलिए वो तो उन्होंने अचीव कर लिया। लेकिन एक टेस्ट के सभी बाकी है, मुझे लग रहा है एक माइल स्टोन कि 73 से एक ज्यादा भी आई तो स्थिति दूसरी होगी और 73 से एक कम आई या 73 भी आई तो समीक्षा दूसरी होगी। ऋचा सिंह जी देखिये, हम उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में 80 से 80 सीटों का रिजल्ट देने जा रहे हैं और 80 में से 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन पराग किवई जी जो एक बात कह रहे थे उसका स्पष्टीकरण, भाई 80 आप जीतोगे 50 वो जीतेंगे और प्रेम नारायण जी कहेंगे 17 में 18 हम जीतेंगे तो कितनी सीटें होंगी। नहीं प्रेम नारायण जी को तो देखिए उनसे तो देश पूछना चाहता है राहुल गांधी जी से कि आखिर गांधी परिवार पूरी करेंगे, आखिर उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है कांग्रेस पार्टी से कि उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है 80 लोकसभा सीट में से राष्ट्रीय पार्टी सिर्फ 17 सीटों पे चुनाव क्यों लड़ रही है, क्या उसके अपने नेतृत्व में विश्वसनीयता खत्म हो गई है, पूरा गांधी परिवार उत्तर प्रदेश को छोड़कर पलायन क्यों कर चुका है, ये भी उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो इस
हद तक उनका मनोबल टूट चुका है कि उनको यह भी नहीं पता है कि उनको कहां प्रचार करना और कहां प्रचार नहीं करना है, क्योंकि वो सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर अखिलेश यादव जी की बात कर ली जाए तो उनका लिटमस टेस्ट तो तभी हो चुका है, 2017 वो हारी, 2014 उससे पहले उनके नेतृत्व में हरी समाजवादी पार्टी, 2017 का चुनाव हारी, 2019 का चुनाव हारी, 2022 का चुनाव हारी, और इस बीच फिर नगर निगम और पंचायती राज के भी चुनाव, पंचायत चुनाव भी लगातार अखिलेश यादव जी ने तो हैट्रिक से हैट्रिक मारी है चुनावों को हारने की और अपनी विश्वसनीयता को सिद्ध करने की। ठीक है ऋचा जी, एक मिनट रुकना होगा।